उज्जैन में वैक्सीन लगवाने वालों की काफी भीड़ लग रही है। यहाँ पर वैक्सीन के 120 डोज उपलब्ध है, तो वहाँ भी लगवाने वालों की संख्या 300 तक पहुँच गई है। ऐसे में लोगों को टोकन बांटना पड़ रहे हैं और इस दौरान लोहार पट्टी सेंटर पर नंबर लगाने को लेकर भी जमकर विवाद हो गया। आपको बता दें कि जहां एक ओर सरकार कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूकता अभियान चला रही है, लेकिन सेंटरों पर पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं होने की वजह से अनेक स्थानों पर विवाद की स्थिति भी बन रही है। सुबह लोहार पट्टी नानाखेड़ा वैक्सीन सेंटर पर 240 से अधिक लोग वैक्सीनेशन करवाने के लिए पहुंच गए, लेकिन जबकि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 120 डोज ही उपलब्ध करवाए गए, जिससे लोग आक्रोशित हो गए, जिसके चलते अब सेंटरों पर टोकन बांटना पड़ रहे हैं। पिछले 15 दिनों से वैक्सीन की कमी के कारण जिला टीकाकरण विभाग द्वारा अलग अलग तरीके अपनाकर वैक्सीन कार्य करवाया जा रहा है, और इसी के चलते 2 दिन पहले जहां पर लोगों को सिर्फ दूसरा डोज ही लगाया जा रहा था, तो वहीं सुबह से मुख्यालय पर पहला और दूसरा दोनों ही डोज लगाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, जबकि पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन का स्टॉक उपलब्ध नहीं करवाया गया है। परिणाम यह निकला है कि शहर के वैक्सीनेशन सेंटर पर पहला और दूसरा डोज लगाने वालों की लोगों की भीड़ की कतारें लग गई है, और सेंटरों पर सीमित संख्या में ही वैक्सीन होने की वजह से लोगों की संख्या भी अधिक होने के कारण टोकन बांटना पड़ रहा है, और जिन्हें लोगों को टोकन नहीं मिले हैं वो आक्रोशित हैं और उनमें आक्रोश भी व्याप्त हो गया है, और इसके चलते विवाद की स्थिति भी बनती हुई दिखाई दी। यहां तक कि लोहार पट्टी नानाखेड़ा स्थित वैक्सीनेशन सेंटर पर पुलिस को बुलाना पड़ा और लोहार पट्टी नानाखेड़ा वैक्सीनेशन सेंटर पर सुबह 8 बजे से ही लोगों की भीड़ लग गई। सर, एक तो वायल का टोटा पड़ रहा है, 400 लोगों की वायल आई है। सुबह 7 बजे से जनता आ गई थी, चालू होने के पहले ही कम से कम 300 लोग लाइन में लगे हुए थे। 6-6 घंटे हो रहे हैं और लोगों को नंबर आता पता पड़ता जब तक वायल ख़त्म हो जाती है। अधिकारी ने साफ मना कर दिया कि 400 लोगों के अलावा हम नहीं दे पाएंगे। अब 6-6 घंटे जनता लग रही है, महिलाएँ बुजुर्ग सब परेशान हैं। इस दौरान मित्रनगर स्थित वैक्सीनेशन वितरण केंद्र के अफसरों ने बताया कि हमारे क्षेत्र के प्रत्येक सेंटर पर 150 वैक्सीन उपलब्ध करवाई गई है, जबकि लोहार पट्टी वैक्सीनेशन सेंटर के कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें कुल 120 डोज ही मिले हैं, जिसके चलते इतने ही लोगों को टोकन बांटकर वैक्सीन लगाई जा रही है, तो वहीं लोगों को पहला और दूसरा दोनों ही डोज लगाए जा रहे हैं। एक और जहां कोरोना वैक्सीन का पहला व दूसरा डोज लगवाने के लिए सेंटरों के बाहर 2 से 3 घंटे लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है, तो वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि अपना आधार कार्ड लेकर कतार के दूसरे रास्ते से पहुंचकर और हाथों में कोरोना वैक्सीन लगवा रहे हैं। डॉक्टर केसी परमार, जिला टीकाकरण अधिकारी के अनुसार मुख्यालय से कोविशील्ड का पहला व दूसरा डोज लगवाने के आदेश मिले हैं, इस कारण बुधवार सुबह से सभी सेंटरों पर दोनों डोज लगवाना शुरू कर दिए गए हैं, और वहीं सुबह सभी सेंटरों को 150 डोज उपलब्ध करवाए गए हैं। संभव है कि दोनों डोज लगने की खबर मिलने के बाद लोगों की सेंटरों पर भीड़ बढ़ गई और इसी कारण सुबह कुछ जगहों पर विवाद की स्थिति भी बन गई। गुरुवार को पर्याप्त वैक्सीन का स्टॉक नहीं मिलने की संभावना के चलते यह स्थिति बनी है, जो कि जल्द ही सुधारेगा। Thank you.